हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पता नहीं इन दोनों दोनों बाप बेटे को क्या हुआ है। मतलब सुबह से वो स्कूल से आई है, उसके बाद उसको, और ये तो सुबह से दोनों बीमारी हैं। इसको पेट में दर्द, दोपहर में खाना खाई है, खाना खाने के बाद से पेट में दर्द और पूरा वॉमिटिंग कर दी है। तब से सोई हुई है, ट्यूशन भी नहीं गई। और ये तो सुबह गए, उसके बाद आए, खाना पेट में दर्द हो रहा है। बेटा क्या करे जी, इसका मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। देखती हूँ मैं पहले इनको, अभी इनको पैर दबा रहे थे, अपना शरीर में दर्द हो रहा है इनका। ये हम दोनों को, हमको लग रहा है कि ना लूह लगा है। एक को देख रही हूँ फिर दूसरा को परेशानी हो जा रहा है, मतलब दूसरे को दिक्कत। अभी हस्बैंड बोले कि पूरा शरीर दर्द दे रहा है, उनका पैर मतलब दबा रही हूँ, तो उसको पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं उसको क्या हुआ है। अभी मतलब कहाँ गया, एक दवा डॉक्टर दिए थे, मतलब सेकेंड टाइम जब उसको दिखाने लेके गए थे तो वो बोले कि इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, गले में दर्द के बाद पेट में दर्द है, ऐसा कुछ बोल रहे थे कि होता है। तो उन्होंने दिया था, वो मैं दे रही हूँ, फिर भी उसको क्यों दर्द हो रहा है। आज स्कूल से आई है, वही प्रॉब्लम पेट का। और फिर खाना ज़बरदस्ती उसको मैं खिलाई खुद से, मतलब ज़बरदस्ती चम्मच से मैं खिलाई हूँ, नहीं खा रही थी तो। खाना खाई है, उसकी कुछ देर के बाद लेटी है पेट में दर्द की वजह से। और खाना भी इतना कम कर दी है ना, खाना एकदम थोड़ा सा चावल चम्मच से, 4-5 चम्मच दिए पानी, और फिर पूरा उल्टी कर दी वो भी। तो वो परेशान है, दर्दी परेशान, क्या जो करे। इनको बोल रहे हैं चलिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तो नहीं ठीक, रात भर में ठीक हो जाएगा, पूरा शरीर दर्द दे रहा है, इनको लगा है लू, चलिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं। समझ ही नहीं आता है, कितना मैं बोल रही हूँ कि अनिल को फ़ोन कर लीजिए, दोस्त को बुला लीजिए, मतलब वो अलग रो रही है। फ्रेंड्स, अभी तनीषा को डॉक्टर को दिखा दिए हैं, और हस्बैंड हैं कि वो बोले कि मैं खाया नहीं हूँ इसलिए मुझे गैस की वजह से हो रहा है, तो वो अपने आप को वो नहीं दिखाए। और अभी मैं आई हूँ यहाँ मम्मी के घर, यहाँ पर पापा जो है वो हस्बैंड के लिए दाग और आम, कच्चा आम लेकर रखे हुए हैं, यही लेने आई थी मैं। हाँ तो वही अभी आ रही हूँ, क्योंकि मैं हम ना मार्केट अभी गई थी हटिया, तो वहाँ से आम और सब्जी ली हूँ, कच्चा आम पापा भी खरीद के दे दिए थे, और यहाँ पर नहीं था, तो फिर मम्मी बोली कि मैं तो ले ही ली हूँ, तो उसको दे देते हैं। अरे बाप रे, ये चोट लगा लो, अरे सोफा से कहाँ है कपड़ों, उसमें फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए हैं, और अभी मैं बना रही हूँ आम पन्ना, जिसको कहते हैं ना आम का शरबत, कच्चा आम का शरबत, वही बना रही हूँ यहाँ पर। और ये जलजीरा वगैरह मम्मी दे रही थी, और इसमें काला नमक डालेंगे। पता नहीं क्या हो गया है ना, समझ में नहीं आ रहा है, दोनों का तबीयत खराब हो गया। हस्बैंड को सर में बाम लगा रहे हैं, वो खाए नहीं है इसलिए उनको हो रहा है, और वो खाना चाह नहीं रहे हैं कुछ भी। एक्चुअली उनके सर वो बोल रहे हैं ना, तो उनको पोटी हो रहा है और ना ही उल्टी हो रहा है, मतलब वॉमिटिंग की तरह लग रहा है लेकिन वो हो नहीं रहा है, और फ्रेश भी नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से उनको पूरा दिक्कत हो रहा है, और इसी वजह से खाना भी नहीं खाए हैं अभी तक, वो दोपहर से कुछ खाए ही नहीं है वो। तो अभी यही मैं देने जा रही हूँ पहले, पता नहीं लू लगा है कि क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। सुबह गए थे वो और वहाँ से आए हैं, उसके बाद से ही उनको, मतलब आजकल तो सुबह सुबह ही एकदम कड़ा धूप हो जा रहा है, और स्कूटी से गए थे, और तब से उनको पता नहीं, जो सोए हैं ना वो उठ ही नहीं रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। और बेटी को भी वैसे ही,
तो अभी सोच रहे हैं कि दोनों को दे देते हैं आम का शरबत, और पापा मेरे जो हैं वो नारियल का पानी लेकर आ गए थे, वही पहुंचाने वाले थे, लेकिन फिर हम लोगों का हुआ कि डॉक्टर के पास जाना है, तो मम्मी बोली फिर आ जाना इधर से लेते हुए चले जाना। फिर मैं गई लेकर आई, और तरबूज वगैरह भी मैं लेकर आई हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ इन लोगों को ना लिक्विड ही और यही सब दूँ पानी वाला, क्योंकि तनु को भी बार बार उल्टी हो रहा है, तो पानी की कमी तो शरीर में हो ही रहा है। चलिए देखते हैं कुछ राहत होता है कि नहीं। दवा ववा देना है तनीषा को भी, उसको जो डॉक्टर दिए हैं, और इनको तो कितना मैं बोली दिखा लीजिए, ये बोले कि नहीं अभी हमको ठीक लग रहा है, अभी हम खाए नहीं हैं इसलिए। मतलब इनका थोड़ा सा लापरवाही ये बहुत ज़्यादा करते हैं खुद को लेकर। और तनीषा को अल्ट्रासाउंड भी बोले हैं डॉक्टर कि जरूरत नहीं था, लेकिन अगर बार बार इतना ज़्यादा हो रहा है तो बोले कि वह करवा लीजिए और फिर मुझे दिखाइए, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वही कल जाकर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे उसका। चलिए इन लोगों को मैं देती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ कैसा है क्या है, और फिर आप लोगों को अपडेट करती हूँ मैं। अभी इन लोगों को मैं तरबूज दी काट के, मतलब तनीषा का तो पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूँ। पेट दर्द का भी इसको प्रॉब्लम था, तो पेट दर्द का दवा पिलाया, जैसे ही दवा खिलाया 2 मिनट बाद पूरा के उल्टी कर दी थी। ये तरबूज दी थी मैं काट कर, इन लोगों को सब छोड़ दिए हैं लोग, एक इधर सोए हैं एक उधर सोई है। मतलब इन लोगों को दी, मैं इधर बैठ के अपना खा रही हूँ, अब वो लोग सब छोड़ दिए, कोई खाना ही नहीं खा रहा है कुछ। दोपहर का खाना पूरा ऐसे ही बनाई थी, सब्जी तो मैं फ्रिज में रख दी थी, और इधर पूरा मतलब दाल चावल सब ऐसे ही रखा हुआ है। क्या जो बोले समझ में नहीं आ रहा है। ये सुबह से चाय 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 कर रहे हैं, जब इतना सुबह दिक्कत से चाय है चाय 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 कर रहे हैं। चाय के लिए बेचैन थे। हम बोले कि जब नारियल पानी भिजवाए हैं पापा, तो नारियल पानी पीजिए ना, चाय का आदत नहीं छूटेगा। उसने दीदी से क्या बोलते कि अब चाय नहीं पियेंगे सुबह सुबह, खा रहे हैं। नहीं पीना है ना, पीजिए, बिस्किट दी हूँ मैं, और ये उसके बाद नाश्ता बना रहे, नाश्ता कीजिए। ठीक लग रहा है आपको? आज मतलब लग रहा है कि ना सोए हैं, मतलब सुबह सुबह तो 4 बजे उठना पड़ता है स्कूल की वजह से, आज एकदम निश्चिंत होकर सोए हैं। हम दवाई खा लिए तो नींद आया बहुत अच्छा। तो आप तो बोल ही रहे थे खाली बोल, सही दर्द, हमारे पहले दवा खाइए फिर शरीर में दर्द जो है वो होगा। कितना भी हम शरीर आपका दबाते मालिश करते तो ठीक नहीं होता, अगर नहीं खाते दवा तो रात भर दबाते रहते लेकिन ठीक ही नहीं होता। जो एंटीबायोटिक खाते हैं ना उसका नींद आता बड़ा बढ़िया। तनु अभी इसको उठाते हैं, इसको लेके जाना है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो बिना खाली पेट जाना होगा, खाली बैठना। पता नहीं, डॉक्टर से पूछ रही हूँ। अल्ट्रासाउंड तो खाली ही पेट होता है। कैसा महसूस हो रहा है? ठीक लग रहा है आपको? हैं, माथा दर्द स्टार्ट हो गया? अब सुबह ही से दर्द दे रहा है। कब से? कितना बजे? कितना सुबह से? इसको हो गया है पेट में इन्फेक्शन, तो डॉक्टर बोले हैं पेट में इन्फेक्शन है, कहीं कहीं क्या है क्या बोलते इसे बाहर की चीज़ें लोग बच्चे खाते हैं तो पेट में कहीं कहीं गाँठ सा हो जाता है, वही जैसे वो चिपक जाता है फिर वो सड़ जाता है, जो भी चीज़ें होती है तो
वही इन्फेक्शन हो जाता है, वही इसको हुआ है। अभी रिपोर्ट लेके जाना है डॉक्टर पास। मैं अब पे लेकर आई थी लंच बॉक्स में कि मैं भी खाई नहीं थी, ये भी खाई नहीं थी, तो खाएंगे अब। एकदम कुछ खा ही नहीं रही है ये। अपना बिस्किट भी लेकर आई थी, बिस्किट खा रही है, लेकिन कितना बोलने के बाद, क्योंकि 11 बज रहा है और अभी तक कुछ भी नहीं खाई थी। वही अल्ट्रासाउंड कराना था तो कुछ दिए नहीं थे इसे, तो अब पे खा नहीं रही है। तो हम बोले ठीक है खाओ यही, तब क्या करें। और हम लोग वेट कर रहे हैं, अपनी गाड़ी से हम लोग आए नहीं थे, गाड़ी खानी है हम लोगों का घर से। तो जिनके साथ आए थे उनके बच्चे लोगों का भी टाइम हो गया था स्कूल से आने का, तो वो गए हैं लेने के लिए, उसके बाद आएंगे फिर हम निकलेंगे। इतनी गर्मी लग रही है कि क्या बताएं। इस रूम से ना दूसरे रूम में जाने का मन नहीं कर रहा है। इस रूम में थोड़ा सुकून मतलब अच्छा लग रहा है, बाकी दूसरे रूम में हॉल में जा रहे हैं तो इतना गर्मी। इनको बोल रहे हैं कि हॉल में भी एसी लगवा दीजिए। हाँ उधर जाया ही, इस रूम के बाहर निकला ही नहीं जा रहा है। पता चलेगा अभी एक एसी के बिल से परेशान है, दो दो एसी का बिल से परेशान रहिएगा। हाँ इधर बेटी चलाएगी, इधर मम्मी चलाएगी एसी। उधर जब रहेगा आदमी तब ना, वहाँ खेत में मट्टी कोड़ेंगे तब जाके सबको पैसा भर मनरेगा वाला मजदूर बन जाएंगे हम। ठीक है, और जिससे हमें चार चार पांच पांच एसी होता है वो तो मजदूर का सुपरवाइजर होता है। तो अभी तनीषा आज बोली मतलब कुछ खा पी नहीं रही है उस जो भी है, तो मैं सोची क्या बनाऊँ उसके लिए। तो उसको मैं बोली पिठा खाओगी, जो लास्ट टाइम आप लोग व्लॉग में देखे थे जो मैं उसको बनाई थी, चावल का जो बनता है अंदर स्टफिंग था चना दाल का, तो बोली हाँ। तो अभी इनसे मैं मंगवाई हूँ चावल का आटा जो कि था नहीं घर में, और अभी मैं जा रही हूँ उसके लिए बनाऊँगी पिठा। और अभी जो मतलब इतना कन्फ्यूजन हो गया था ना, कन्फ्यूजन ये हो गया ना कि सुबह ही जिन जो हम लोगों को लेके गए थे जिनकी गाड़ी से हम लोग गए थे, वो बोले थे कि अभी डॉक्टर बैठे होंगे तो दिखला लीजिए। फिर मैं भी बोली कि ठीक है, बात भी की तो डॉक्टर आए थे मतलब आने वाले थे, लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा उसको चेक कीजिए जिससे वो पॉटी वगैरह जाती है, तो चेक करने के लिए कि वो कैसा कर रही, कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है जो पेट में उसको दर्द हो रहा है, तो वो सब चेक करिए दो और दो तीन दिन के बाद लेकर आइए दोबारा। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड हो गया तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो भी दिखाना जरूरी। तो उसमें पता नहीं, मैं मुझे ध्यान था कि वो पॉटी वाला भी मुझे बोले थे, तो इससे मैं इनको बोली कि छोड़िए एक दो दिन बाद ही जाएंगे। लेकिन फिर अभी घर आने के बाद मैं सोच रही हूँ कि अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें जो उसके पेट में इन्फेक्शन है और जो अभी उसके पेट में दर्द हो रहा है वो जाकर दिखाएंगे, तो फिर उसके लिए भी तो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ना, या मेडिसिन देंगे उसके हिसाब से, तो कम से कम पेट का दर्द तो उसका ठीक हो। तो वही इनको बोले तो फिर बोले कि चलो फिर। अभी 7:15 हो रहा है शाम का, और खाना बनाने में सोच रही थी, लेकिन पहले सोच रही हूँ कि उसको जाके दिखा ही देते हैं। इतना गर्मी से पूरा ओट सूख रहा है ना, गजब हो रहा है गर्मी। वहाँ पे अभी मतलब सोचिए कि ये अप्रैल का लास्ट है, अभी मई जून जुलाई जिसमें गर्मी इतनी पड़ती है उसमें क्या होगा। अभी तो मई में ही ये मतलब अप्रैल के लास्ट में ही ऐसा लग रहा है कि इनको लू ही लगा था शायद ना। कल स्कूटी से गए थे, गाड़ी था नहीं, स्कूटी से गए थे साइड पे, और 2-3 बार गए, उसके बाद आया तो लगा कि एकदम बेहोश, कुछ खाए नहीं। सुबह बस ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आज सुबह ब्रेकफास्ट किए हैं, और आज दोपहर में इन लोगों को गीला वाला चावल नहीं होता है, खिचड़ी भी नहीं, जो केवल मार भात होता है जो कहते हैं गीला वाला चावल बनता है वो, और केवल आलू का चोखा दी हूँ प्लेन प्लेन खाने के लिए, यही खाइए और कुछ नहीं बनाए थे। खिचड़ी भी मैं जान मुझे नहीं बनाई, दाल वाला वही दी कि वही खाइए, पेट थोड़ा सा ठंडा रहेगा। तो आज भूख लग गया होगा, नहीं लगा है, और पता नहीं जब ना थोड़ा तबीयत सही नहीं होता ना तो भूख भी नहीं लगता है, और इन लोगों के साथ साथ हमको भी भूख नहीं लग रहा है। कल रात में ये लोग नहीं खाया, मैं भी नहीं खाई, जबकि मैं तो ठीक ही थी, और आज से मेरा पेट में बहुत दर्द स्टार्ट। उतना दही नहीं है जो लस्सी बनाए, पूरा तो बना दिए अप्पे में डाल दिए। हम क्या बोलते हैं, हम तो सोचेंगे दूध ले आए, दूध में डालेंगे जो तो सुबह बन जाएगा दही। अब अभी अचानक आपको मन करने लगा तो हम क्या करें। आज सुबह ब्रेकफास्ट में अप्पे बनाए थे तो उसमें लगभग आधा केजी दही था, तो सारा हम डाल दिए, थोड़ा सा बचा हुआ है। चेक किए हैं आप? बीपी लो रहता है क्या आपका? लगता है ऐसे? लगता नहीं, चेक करिए। अगर बीपी लो तो नमक घोल के पीते हैं, चीनी नहीं, पागल इंसान।
महा खत्म आदमी है ये, पता नहीं कहाँ से पागल से पाला पड़ा है मेरा। बीपी लो है तो चीनी घोल के दीजिए। बीपी लो होने पे क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए हैं? पढ़ो लीजिए, देख रहे हैं, देखेंगे जब तक हम जा रहे हैं। बीपी कम हो जाए तो थोड़ा नमक और थोड़ी चीनी का घोल मिलाकर। हाँ, नमक और चीनी दोनों। दो घंटे में नमक और चीनी दोनों डालो। नमक आपको वो हो जाए। नमक ऊपर सो डाल देंगे? नहीं नहीं, और डालेंगे हम। डार्क चॉकलेट से राहत मिल सकता है। खाइए डार्क चॉकलेट। देखिए क्या 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 बोल रही है। लो बीपी को तुरंत ठीक कैसे करें? न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक, अगर बीपी कम हो जाए तो तुरंत नमक और थोड़ी चीनी का घोल मिलाकर पी सकते हैं। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। सुनिए आप लोग भी, बीपी से राहत दिलाने में कारगर माना जा सकता है। हालांकि अगर आपका बीपी लगातार कम हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डार्क चॉकलेट, चीनी, नमक का घोल, ये तुरंत के लिए है। परमानेंट मतलब सही रखने के लिए क्या है वो देखिए ना। चलिए फ्रेंड्स, इनका बकवास कितना सुनेंगे, हम जा रहे हैं, इनको देते हैं ग्लूकोन डी और बेटी के लिए जो सुखाना है उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चने के दाल को थोड़ा सा कुछ देर के लिए पानी में भिंगो के रखेंगे तब उसको पीसेंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ, डॉक्टर के पास भी लेके जाना है और वीडियो भी एडिट करना है, तो बहुत सारा काम है।